हेलो दोस्तों, सो बेसिकली आज हम लोग इस लेसन में सीखेंगे टाइप कास्टिंग इन जावा या फिर टाइप कास्ट ऑपरेटर जावा में क्या होता है, टाइप कास्टिंग कैसे काम करता है। बेसिकली कास्टिंग क्या कि कास्टिंग मतलब कि एक किसी दूसरे टाइप का डेटा टाइप का वैल्यू है, ठीक है, उसको हम लोग एक दूसरे टाइप के डेटा टाइप में असाइन करते हैं, ठीक है। तो यही चीज को हम लोग बोलते हैं कास्टिंग। मान लो कि एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है, डेटा टाइप वेरिएबल है, इंटीजर ए है, ठीक है, और एक मेरा लॉन्ग एल है, ओके। ए का कुछ वैल्यू है 10, इंटीजर ए इक्वल टू 10 मैंने डिफाइन कर रखा है मान लो, और एक लॉन्ग एल मैंने डिफाइन कर रखा है। तो अभी कैसा कि अगर इंटीजर को मैं एल में असाइन कर दूं, एल इक्वल टू एल बराबर ए कर दूं, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं कास्टिंग, ठीक है, कि इंटीजर टू उसको कास्ट कर दिया लॉन्ग, ठीक है। तो जावा में बेसिकली दो टाइप का प्रिमिटिव कास्टिंग होता है, ठीक है, एक को बोलते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग और दूसरे को बोलते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग क्या होता है कि इसको हम लोग नहीं करते, ठीक है, ये बना बनाया इनबिल्ट फीचर हमें जावा के साथ मिला है। बेसिकली कंपाइलर इस टास्क को परफॉर्म करता है, ओके। इम्प्लिसिट कास्टिंग जो है उसको हम लोग वाइडनिंग एंड अप कास्टिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इम्प्लिसिट कास्टिंग करते हैं तो इस पे इंफॉर्मेशन का लॉस होने का कोई चांसेस नहीं होता, ठीक है। इम्प्लिसिट कास्टिंग कब करते हैं कि जब हम लोग छोटा टाइप का डेटा टाइप, जो छोटा डेटा टाइप है उसके वैल्यू को किसी बड़े डेटा टाइप में असाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं वाइडनिंग, मतलब चौड़ा करना। ऐसा छोटा डेटा टाइप है, मान लो कोई डेटा टाइप है सॉर्ट है, ठीक है, या बाइट है, उसको हम इंटीजर में रख रहे हैं, छोटा से बड़ा मतलब उसको बहुत ज्यादा स्पेस दे रहे हैं, तो ये हो गया वाइडनिंग, ओके। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो दूसरे टाइप का है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसमें क्या होता कि कंपाइलर नहीं करता, इसे हमें खुद कास्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, चांसेस है कि कास्टिंग के बाद जो हमारा वेरिएबल का वैल्यू हो और इन्फॉर्मेशन हो वो लॉस हो जाए, कुछ कम हो जाए, एग्जैक्ट नहीं रहे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। ये रिक्वायर्ड कब होता कि जब, कब ये होता है कि जब हम लोग बड़ा टाइप का डेटा वैल्यू है, ठीक है, मान लो लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल उसका कुछ वैल्यू है और उसको हम इंटीजर में असाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गया, ओके। और इसको हम लोग नैरोविंग और डाउन कास्टिंग भी बोलते, क्यों, क्योंकि बड़े साइज का डेटा टाइप को हम लोग छोटे में रख रहे हैं तो नैरो कर रहे हैं, मतलब ऐसा संपूरा टाइप का पतला कर, ठीक है। तो चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे आप आ जाओ यहाँ पे, एक मैंने लिया इंट एक्स इक्वल टू कैरेक्टर एक्स, ओके। तो कैरेक्टर एक्स का कुछ वैल्यू है, ASCII वैल्यू है, तो वो उसे 120 मिल गया, ठीक है, और डबल इक्वल टू वाई इक्वल टू 10। अभी इंटीजर एक्स में मैंने कैरेक्टर टाइप का वैल्यू को असाइन किया, यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि हम कैर वैल्यू को इंट कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को इंटीजर में असाइन किया, कैरेक्टर कैसे छोटा वैल्यू है इसको हम इंट में डाल दिया, ये अपने आप आ गया, ठीक है, हमको कुछ फोर्स नहीं करना पड़ा, उसके वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया कंपाइलर इंटीजर में। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो डबल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होता है, y डिफाइन किया, इसमें मैंने एक 10 इंटीजर डिफाइन कर दिया, असाइन कर दिया, सॉरी y में मैंने 10 असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमें 10 जो है ये किस टाइप का है, डबल टाइप का है, तो ये अपने आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा जब हम प्रोग्राम रन करेंगे, ओके। लेट मी कमेंट दिस, अभी मैं ले लिया एक, तो अभी क्या कि ये इंट एक्स क्या प्रिंट करेगा,
एक्स कैरेक्टर का जो एस की वैल्यू है 120 वो एज ए इंटीजर इसमें प्रिंट कर देगा। ठीक है, 10 हमने रखा है तो ये क्या प्रिंट करेगा, 10 पॉइंट डबल फॉर्मेट में हमें प्रिंट करके देगा वैल्यू ऑफ एक्स ये एंड वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू 10.0। तो इसमें हमने जो वैल्यू दिया 10.0 एंड 10 कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मेशन सेम रहा। यहाँ पे एक्स का एस की वैल्यू 120 है वो कम नहीं हुआ, 120 ही मेरे को प्रिंट करके दिखाया। ठीक है, और ये हम फोर्सफुली नहीं किए, ये कैसे अपने आप कंपाइलर ने हमको कन्वर्ट करके उसके इक्विवेलेंट डेटा टाइप में दे दिया। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, अब आप आ जाओ एक्सप्लिसिट कास्टिंग में। एक्सप्लिसिट कास्टिंग हम लोग खुद करते हैं और इसमें प्रिसीजन लॉस होने का, इंफॉर्मेशन लॉस होने का डर रहता है। अब देखो यहाँ पे हमने एक डबल डी डिफाइन किया है 100.004। ओके, इसको मैं कास्ट कर रहा हूं, अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे लिखूं तो ये क्या बोल रहा है, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि डबल बड़ा है और लॉन्ग छोटा है, तो हम डबल को लॉन्ग में नहीं रख सकते। इसको रखने के लिए क्या करना होगा कि भाई उसको उसी टाइप का कन्वर्ट कर दो आप। ठीक है, तो कैसा कन्वर्ट कर दो, लॉन्ग टाइप का बना के आप उसमें रख दो। ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ये हो गया, ये जो लॉन्ग हमने लगाया ये कास्ट कर रहे हैं, डबल वैल्यू को हमने कास्ट किस में किया, लॉन्ग में। अगर हम यहाँ पे इंटीजर चाहिए तो ऐसा इंट लिख के डबल डी जो ऐसे यहाँ पे किया है सो, पर अभी अगर डबल डी का हमने वैल्यू प्रिंट किया तो ये एग्जैक्ट 100.04 प्रिंट करेगा, पर लॉन्ग में डबल को कास्ट करके रखा तो साइज छोटा हुआ, जिसकी वजह से जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है ना वो मिस हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं तो चांसेस है कि इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाए। ओके, क्योंकि वो होता क्या है एक्चुअल में कि जब हम लोग बड़ा से छोटा में असाइन करते हैं एक्सप्लिसिटली, तो जो बहुत ही मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है ना वो हमेशा लॉस हो जाता। जब आप किसी भी ऐसे वेरिएबल को आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, मान लो कि इंटीजर है वो, तो 32 बिट में कन्फर्म करोगे तो 0001100001 ऐसा आएगा। उसके बाद उसको अगर हम बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके कुछ इक्विवेलेंट आएगा, फिर उसको निगेटिव लगाएगा, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब छोड़ दो, उतना आप मत जानो, बस इतना ही याद रखो कि हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है, नैरोइंग टाइप कास्टिंग में चांसेस रहता है चांसेस कि हमारा इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाए। चलो इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में आउटपुट क्या आता है। अभी आप देखो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जैक्ट 120 प्रिंट कर दिया, डबल वाई 10, ऐसा नहीं कि 10 को 9 कर दिया या 11 कर दिया, जो 10 है वही प्रिंट किया 10.0। डबल वैल्यू यहाँ पे मैंने प्रिंट किया डबल वैल्यू डी 100.04 प्रिंट कर दिया। ओके, अभी लॉन्ग पे आए, लॉन्ग डी कास्टिंग किया है, ये देखो आप प्रिसीजन लॉस हो गया, 100 के बाद 0.04 गायब हो गया। अब सोच लो आप ऐसे अगर लॉस होने लगा और कोई मेजर एप्लीकेशन अगर बैंकिंग का ऐसे ट्रांजेक्शन में हर जगह से ऐसे जाने लगे तो बैंक को एक साल के अंदर बहुत सारा ऐसा मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो जब भी हम ऐसा कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमको ध्यान रखना चाहिए जो सूटेबल हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वही यूज करें, ऐसे कास्टिंग यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा कास्टिंग के बारे में। तो ब्रीफ में चलिए देख लेते हैं कि कास्टिंग में क्या क्या होता है, हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो कास्ट ऑपरेटर या टाइप कास्टिंग, इसको हम लोग दो टाइप में बांटते हैं, इम्प्लिसिट कास्टिंग बोलते हैं एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग क्या होता है, कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कास्टिंग, हम खुद नहीं करते, ऑल्सो नोन एज वाइडनिंग और अपकास्टिंग, क्योंकि छोटे को बड़ा में रख रहे हैं तो वाइडनिंग हो जा रहा है, वो चौड़ा हो जा रहा है, पूरा उसको काफी जगह मिल जा रहा है। नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग कास्टिंग हैपेंड कब होता है, व्हेन वी असाइन स्मॉलर डेटा टाइप वैल्यू टू अ बिगर डेटा टाइप वैल्यू, छोटा डेटा टाइप वैल्यू को हम लोग बड़ा में डालते हैं। जैसे बाइट को मैंने शॉर्ट में रखा, शॉर्ट को इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में, डबल में, या डायरेक्ट बाइट को लॉन्ग में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का जो कास्टिंग है वो है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इसमें क्या होता है कि वी नीड टू डू इट या डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कास्टिंग, हमें एक्सप्लिसिटली खुद करना पड़ता है, कंपाइलर हमें करके नहीं देता है, ऑल्सो नोन एज नैरोइंग और डाउन कास्टिंग। नैरोइंग कास्टिंग क्यों बोलते हैं कि बड़ा चीज को छोटा में रखे तो नैरो हो जा रहा, संकुरा टाइप हो जा रहा, एडजस्ट नहीं हो पाएगा। चांसेस ऑफ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, चांस है कि इंफॉर्मेशन हमारा लॉस हो जाए।
ठीक है, जैसे हम देखे वहां पे कि 100.04 लिए थे तो कास्टिंग के बाद वो सिर्फ 100 आ रहा था। कब होता है ये हैपन व्हेन वी असाइन लार्जर डेटा टाइप वैल्यू टू अ स्मॉलर डेटा टाइप। बड़ा डेटा टाइप वैल्यू को हम छोटा में रखते हैं उसको, उस टाइम पे ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग होता है। जैसे डबल को हम लोग फ्लोट में रख रहे हैं, फ्लोट को लॉन्ग में, लॉन्ग को इंट में, इंट को शॉर्ट में, शॉर्ट को बाइट में, ये डायरेक्टली हम लोग फ्लोट को इंट में भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप कास्टिंग इन जावा। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिए वीडियो देखने के बाद, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर किया जाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।